हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रूपेश्वर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ICMR के इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 2 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 1 एट ICMR NIN हैदराबाद। और इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ICMR NIN वेबसाइट, तो जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने की, वो 24 जुलाई 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2023 है। और ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम ICMR NIN वेबसाइट, और जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो सब बिफोर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर 100 मार्क्स September 2023, डेट्स विल बी अनाउंस्ड लेटर। और रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस की हम बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, SC ST एक्स सर्विस मैन वुमेन कैंडिडेट के लिए ₹1000 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, फॉर ऑल अदर्स के लिए ₹1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, एंड ICMR एम्प्लॉयज आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फीस, कैंडिडेट आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रजिस्टर सेपरेटली इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिफिकेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, और मोड ऑफ पेमेंट जो है, द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द अबव एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके अलावा हाँ, पेज नंबर 2 पे आप यहाँ से वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 45 पोस्ट हैं, जिसमें कि SC के लिए 6 है, OBC के लिए 15 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 9 है और अनरिजर्व के लिए 13 है। और अलग अलग डिसिप्लिन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं आप यहां से देख सकते हैं कि फूड साइंस और फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस के लिए 12 पोस्ट हैं, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस, डायटेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से आप इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं, सोशल वर्क, सोशल साइंस और सोशोलॉजी के लिए 3 पोस्ट हैं, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी में फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, और इसमें 2 पोस्ट हैं, स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें 3 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आप देख सकते हैं, डाटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 1 पोस्ट है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मास मीडिया के लिए 2 पोस्ट हैं, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 पोस्ट हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्नीशियन वन के लिए, हाँ सॉरी, इसमें पे स्केल की हम बात करें तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें जो पे स्केल है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है, 7 CP के CPC के अनुसार ₹35,400 to ₹112,400 है। और बाकी हम यहाँ से देखते हैं, टेक्नीशियन वन के जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 2 है, 7 CPC ₹19,900 to ₹63,200, और इसमें जो है टोटल 33 पोस्ट हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं डिसिप्लिन वाइज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और एनिमल फैसिलिटी के लिए 19 पोस्ट हैं, जिसमें कि 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से देख सकते हैं आप टेक्नीशियन की इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेटर के अलग अलग पोस्ट हैं।
और लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी अलग अलग पोस्ट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो पोस्ट कोड TA01 to TA14 नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, और फॉर पोस्ट कोड Technician 01 to Technician 05 नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, और पोस्ट कोड LA01 to LA05 बिटवीन 18 to 25 ईयर्स है। और एज रिलैक्सेशन जो है, अपर लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन ए क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइक दैट 14 अगस्त 2023। और एज रिलैक्सेशन आप इस टेबल के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं। और हम आगे देखते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, www.nin.res.in पर विजिट करके देख सकते हैं आप इस विज्ञापन को के। हाँ, इसमें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, पेज नंबर 10 पर। केयरफुली रीड द जॉब एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आप ये विज्ञापन देख सकते हैं और वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, www.nin.res.in। टू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट एंड एनी अदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैंशन फॉर द पोजिशन। तो और यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा। हाँ, रिटन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो द रिटन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली वुड बी ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन एंड विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 1 मार्क, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग टू द एक्सटेंट ऑफ 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो यहाँ 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 घंटे का 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का एक रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स काटे भी जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ड्यूरिंग द CBT एग्जामिनेशन इफ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट शुड अंडरगो बायोमेट्रिक्स टेस्ट और फोटो मैचिंग एज टू चेक ऑफ एनी इम्पर्सोनेशन इन द एग्जामिनेशन, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 95% वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स स्कोर्ड by the candidate in the CBT and 5% weightage will be given for research lab field experience, और जो field lab का जो experience है उसका weightage आप यहाँ से देख सकते हैं इस table के अनुसार, कि 1 to 2 years 1 marks, 2 to 4 years 2 marks, 4 to 6 years 3 marks, 6 to 8 years 4 marks and above 8 years तो 5 marks। There will be negative marking of 0.2 marks 0.25 marks for each wrong answer। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट 3 times ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज विल बी शॉर्ट लिस्टेड, द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड थ्रू ए नोटिस ऑन द वेबसाइट ICMR.NIN वेबसाइट पर लोड होगा, जो रिजल्ट है लोड कर दिया जाएगा नोटिस के थ्रू। और यहाँ से हम देखते हैं, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप यहाँ से सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 13 पे हाँ स्कीम ऑफ टेस्ट जो है, हम टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो पोस्ट कोड 1 to 14 के लिए जो सब्जेक्ट है इन रेलिवेंट सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इन जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। तो इस प्रकार से टोटल 90 मिनट्स के ये टेस्ट होगा। इसी प्रकार से आप टेक्नीशियन फर्स्ट और लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट का यहाँ से देख सकते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा तो ये थी जानकारी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने डिस्कस किए। हाँ, पेज नंबर 16 पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आप यहाँ से देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट टू द सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू रिटन टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड मोड कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इनमें बाकी सभी कंडीशंस आप इस नोटिफिकेशन में
पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो 24 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू।